डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों किसानों की धान नहीं बिक पाने की शिकायत कर कलेक्टर के सामने धान खरीदी केंद्र में स्लॉट बुकिंग की डेट बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों से बात करने की भी बात कही है। डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने बताया कि जिले के सैकड़ों किसानों की धान नहीं बिक पाई है। किसानों को जानकारी ही नहीं थी कि 6 जनवरी को स्लॉट बुकिंग की डेट खत्म हो रही है, इसलिए किसान स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं, लिहाजा उनकी धान घरों में रखी हुई है। मरकाम ने कहा, भोपाल में मैंने अधिकारियों से बात की, जिस पर उनका कहना है कि डिंडौरी कलेक्टर अगर पत्र लिखेंगे तो स्लॉट बुकिंग की डेट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा जब दौरे पर सुनपुरी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो किसानों ने स्लॉट बुकिंग डेट खत्म होने और धान न बिक पाने की शिकायत की। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 18,000 किसानों की धान खरीदी की गई थी और वर्ष 2023 में 21,000 किसानों ने धान बेचने के लिए स्लॉट बुक कराया है। जिले के हमारे अन्नदाता किसान जिनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से धान बेचना था और स्लॉट का जो समय किसानों को सही समय में बुकिंग कराने की जानकारी नहीं मिलने के कारण आज किसानों की धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। और इस विषय को लेकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से शासन को पत्र जानना चाहिए, इसके लिए मैंने आज भोपाल में बात किया था और भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कलेक्टर के माध्यम से ये जानकारी आएगा तो हम लोग किसानों की धान खरीदी करने की प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने कलेक्टर साहब के पास किसानों के साथ हम लोग आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।